बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव और कृति सेनन स्टार फिल्म बरेली की बर्फी इस शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। बरेली की बर्फी को हुमा कुरैशी स्टार फिल्म पार्टीशन के साथ बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया है। हालांकि ट्रेड एनालिस्ट्स के मुताबिक फिल्म का फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला नहीं होगा, लेकिन बावजूद इसके फिल्म को मिला सेलेब्स का रिव्यू पॉजिटिव है। फिल्म मेकर करण जौहर ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, बरेली की बर्फी फिल्म अच्छी, मजेदार और खुश मिजाज है। परफॉर्मेंस शानदार है। डायलॉग सुनकर कई बार आपके लिए अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। हाल ही में चंडीगढ़ के पास दुर्घटना का शिकार हुई नेहा धूपिया ने लिखा, यह फिल्म आपके द्वारा खाई गई किसी भी बर्फी से ज्यादा मीठी है। आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव और कृति सेनन का काम शानदार है। जल्द ही फिल्म जुड़वा का सेकेंड पार्ट लेकर वापसी कर रहे वरुण धवन ने कहा, बरेली की बर्फी एक मजेदार और ईमानदार फिल्म है जिसमें आयुष्मान, कृति और राजकुमार की एक्टिंग का तड़का लगा हुआ है। विक्की कुशाल ने फिल्म देखने के बाद ट्वीट किया, बहुत कड़क फिल्म, हंसा तालियां बजाई, पूरे वक्त एंजॉय किया। अश्विनी अय्यर, आप कमाल हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिल्म एम इस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी स्टार सुशांत सिंह राजपूत ने लिखा, बरेली की बर्फी एक साफ सुधरी और मनोरंजक फिल्म है। कृति सेनन ने शानदार काम किया है और आयुष्मान की एक्टिंग कमाल है। कहानी की बात करें तो दंगल के निर्देशक नितेश तिवारी की पत्नी अश्विनी अय्यर डायरेक्टेड यह फिल्म कृति सेनन के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने लिए एक ऐसे लड़के की तलाश में है जो उसे उसी तरह अपना सके जैसी कि वो है। बिट्टी को उपन्यास पढ़ने का शौक है और उसे बरेली की बर्फी के लेखक प्रीतम विद्रोही से प्यार हो जाता है। इसकी वजह लेखक का उन्नतिशील लेखन है। इसके बाद राजकुमार राव भी कृति को पसंद करने लगते हैं। फिर दोनों में से बिट्टी किसे मिलती है और कैसे, यही फिल्म की कहानी है।